Hi guys, good morning. Welcome to our channel. देखिए, देखिए ये दोनों कैसे सो रहे। दीप मैं तुमको दिखा रही हूँ, मैं तुम्हारा फाइनल वो जो सुबह वाला मॉर्निंग वाला रूटीन ना एक्सपोज करती। डॉक्यूमेंट्री चल रहा है। कितने बजे तुम ब्रश किए? ए चुप क्या रहे हो तुम? 7 बजे छुपूंगा। चल पापा लेके जाएंगे तुझे। काम थोड़ा काम है। नहीं 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 ये भी काम है दीप, काम करो। ये एप्पल का पेंसिल, ये आईपैड का है, बट मुझे दे नहीं रहा है, मेरे से ले लिया है अपना आईपैड के लिए। मैं बोल रही हूँ मुझे एक दे दो खरीद के, इतना कंजूसी मुझे दे नहीं रहा है। किसी काम का तो है नहीं, कुछ तो करोगी नहीं तुम। अभी बैठ के हाइरल का पॉटी सुसु ये सब तुमको। आज फ्राइडे में क्या क्या काम है दीप का, मैं लिखी। हाइरल का पॉटी सुसु कराना है और उसके बाद प्लांट को वाटर देना है और उसके बाद प्लम्बर का कुछ काम है उसको ठीक करवाना है, ये सब है। और उसके बाद मेरा मैं लिख रही हूँ, क्यों मेरे को ऐसा ही काम करना है। इसके लिए एप्पल पेंसिल। हाँ। एप्पल भी बोलेगा ज़्यादा पैसा हो गया ना। हाँ। मैं जो वीडियो एडिट करती हूँ ना वो प्रीमियर रश से एडिट करती हूँ, तो ये मेरा है, इसका इंटरफेस कुछ ऐसा ही दिखता है। बहुत सिंपल है, मतलब एक बच्चा भी कर लेगा इससे, ये बहुत इजी है। तो मैंने तो एडिट कर लिया है और आज मैं सुबह सुबह ये बनाई हूँ और बहुत ही सिंपल है। अगर आपको पैटर्न बनाना आता है, छोटे छोटे पैटर्न से शुरू करना। मैंने इतना तक किया अभी और यहाँ पे क्या करूँगी सोच रही हूँ, यहाँ पे लोटस करके देखती हूँ। ना मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें यही एक फ़ायदा है कि आप अगर एक साइड में करते हैं तो सब साइड में हो जाता है और इतना मेहनत करना भी नहीं पड़ता है। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको रिमूव कर दूँगी। रिमूव करने के लिए बस इसको ऐसे ऐसे करना होता है, बस हो गया। कंसंट्रेशन तो चाहिए क्योंकि नहीं तो स्ट्रेट नहीं होता है, लाइन्स टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ऐसे। और ये मेरा हो गया है कंप्लीट, तो इसको मैं क्या करूँगी एक्सपोर्ट कर लूँगी। और हो गया, ये मेरा आ गया इमेज। और सेव होने के बाद आपका वो लाइंस दिखाई नहीं देता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, तो इसको आप कहीं पे भी प्रिंट करा सकते हैं, जैसे कि कोस्टर में मैं ज़्यादातर प्रिंट करवाती हूँ। और कहाँ पे, और कहीं पे भी प्रिंट करवा सकते हैं आप, प्रिंटों में जाके नहीं तो कहीं पे जाके। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है और मैं ये करती रहती हूँ, बहुत सारा मैंने किया है। जो अच्छा लगता है, कहाँ गया वो, ये मैं बैठ के करी थी, ये पूरा ब्लैक बैकग्राउंड में करी थी और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। पहले मैं डिजिटल में नहीं करती थी, मैं हाथ से करती थी। मेरा बहुत सारा कलेक्शन भी है और जब मेरे पास आईपैड आया उसके बाद से मैं डिजिटल में कर रही हूँ और मेरा हाथ का पूरा वो प्रैक्टिस ही छूट गया, यही होता है। कल दीप बोल रहा था उसको बिरयानी खाने को बहुत मन कर रहा है, मतलब घर का बिरयानी खाने को, तो मैं सोची कि आलू बिरयानी बना लेती हूँ। नॉनवेज वाले बोलेंगे कि वेज बिरयानी नहीं होता, ब्ला ब्ला ब्ला, बट ठीक है, हमारा और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। मैं एक सिंपल वे में बनाती हूँ, आलू बिरयानी हो या पनीर बिरयानी हो या मशरूम, कुछ भी लेके बना लेती हूँ। बट आज बनाऊँगी मैं आलू बिरयानी क्योंकि मशरूम बहुत कम है और पनीर है नहीं, तो और ऑप्शन नहीं है। तो बस आज बनेगा तो आलू बिरयानी, कोई नहीं, आप आलू की जगह नॉनवेज यूज़ कर सकते हैं, वैसे करके बना सकते हैं। मैं आई हूँ अभी, थोड़ा सा पुदीना लेके जाऊंगी और उसके बाद फिर मैं शुरू करूंगी। मेरे पीछे पीछे और कोई एक आया है, तू क्यों आया? पुदीना मैंने इतना सारा लेके आए और भी बहुत हुआ है, जितना काटूंगी उतना ही ग्रो करेगा अच्छे से, तो मैं फिलहाल तो इतना लेके आई। और यहाँ पे ऑनियन हम काट के रखे हैं, यहाँ पे मिर्ची मैंने रखा, 2 मिर्ची यूज़ करूँगी। और यहाँ पे है तेज पत्ता, दालचीनी, फिर ये जो फ्लावर एक होता है इसका नाम नहीं पता मुझे, ये भी है और एक फ्लावर, एक्चुअली मुझे ये खड़ा मसाला का नाम ना पता नहीं है। और ये बड़ी इलायची है मुझे पता है, ये छोटी इलायची, ये लौंग, बस इतना ही है। और यहाँ पे बासमती राइस और यहाँ पे कुछ मसाला, गरम मसाला और बिरयानी मसाला, हल्दी
और रेड चिली पाउडर और ये नमक, इतना सा देखिए बनाएंगे। मैं बनाऊंगी बिरयानी आज प्रेशर कुकर में। फ्राइड ओनियन होता है ना बिरयानी के ऊपर गार्निशिंग करने के लिए, और जो अंदर भी डालते हैं वो हमको बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पे इसे काट के रखा, पहले वो फ्राइड ओनियन बना लिया। और ये हमारा हो गया है फ्राइड ओनियन, इसको अभी साइड करके रख लेंगे। फ्राइड ओनियन हो गया है यहाँ पे, इतना मुझे करना था, और ऑयल भी बचा हुआ है। अभी मैं इसके अंदर पटेटो को डाल दूंगी, और पटेटो में मैंने बीच बीच में इसे होल कर लिया है। आलू अभी हो गया है तो आलू को भी निकाल देंगे। ऑयल ऑलरेडी ये पूरा गर्म है तो इसके अंदर खड़ा मसाला सब डाल देना है, और थोड़ा सा जीरा हो गया है। अभी डालना है प्याज, प्याज को मैंने अच्छे से पका लिया है। अभी मैं डालूंगी टमेटो, टमेटो थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए मैं नमक डालूंगी, एक बार में ही नमक डालूंगी तो थोड़ा सा ज्यादा यूज करें। टमेटो होते होते मैं राइस को धो लेती हूँ, राइस को मैंने धो लिया है पूरा अच्छे से, और टमेटो सब अच्छे से पक गया है। अभी हम मसाला डाल देंगे, पहले जाएगा हल्दी, फिर रेड चिली पाउडर, उसके बाद बिरयानी मसाला, और फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर थोड़ा सा गरम मसाला, गरम मसाला ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। मसाला ऑलमोस्ट पक गया है, अभी थोड़ा सा डालना है ब्लैक पेपर। अभी मैं डालूंगी पुदीना पत्ता और धनिया पत्ता, मुझे पुदीना पत्ता धनिया पत्ता बहुत अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। एक एक करके जो मैं पका रही हूँ, सब कुछ मैं लो फ्लेम में पका रही हूँ, तो मसाला जलने का चांसेस ज़्यादा होता है हाई फ्लेम में पकाने से। और मसाला तो हो गया है, थोड़ा सा पानी डालती हूँ क्योंकि मुझे अभी दही डालना है। अगर आप दही डाल रहे हैं तो आपको फ्लेम लो करके ही डालना चाहिए, नहीं तो दही फटने का चांसेस होता है, और दही को फेंट के अच्छे से डालना है, फटता नहीं है। दही जो था उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के डाल रही हूँ, और इसको अभी बस चलाते रहना है लो फ्लेम में ही। मैं प्रेफर करती हूँ ये स्टेज पे थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए, अगर नमक ज़्यादा कम हुआ होगा ना तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा स्वाद में ऊपर नीचे हो जाता है। ऑयल ऊपर आ रहा है तो अभी मैं पानी डाल देती हूँ, उसके बाद मैं राइस डालूँगी, और मैंने जितना राइस लिया था उसके मेजरमेंट के हिसाब से मैं पानी डालूँगी, और अभी मैं राइस डालूँगी आधा राइस, फिर आलू डाल दूंगी, और फिर बचा हुआ राइस डाल देती हूँ, और फिर उसके ऊपर ये फ्राइड ऑनियन, उसके बाद धनिया, और फिर पुदीना, और थोड़ा सा बस पुदीना क्योंकि मुझे पुदीना बहुत अच्छा लगता है। और इसके ऊपर मैंने जो फ्राइड ऑनियन और आलू रखा था इसमें मैंने क्या किया, थोड़ा सा दूध डाल दिया और उसको पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया, यहाँ पर रख दिया, और थोड़ा सा मैंने केसर डाल दिया, अभी इसको यहाँ पर डाल दूँगी, और फिर दो मिर्ची डाल दे रही हूँ, और इसके ऊपर बस घी। मैंने लीड दे दिया, अभी मुझे वेट करना पड़ेगा 2 सीटी आने तक, उसके बाद मेरा हो जाएगा बिरयानी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बना है। रायता के लिए मैंने यहाँ पे सब ऐसे काट के रख लिया है, मैंने काटा है यहाँ पे क्यूकुम्बर, ऑनियन, ऐसे मिर्ची को भी काट लिया, थोड़ा सा मिंट, थोड़ा सा पुदीना, अभी इसके अंदर डालूंगी दही, अब इसके अंदर डालूंगी पानी, और ये मेरा रायता हो गया है। अभी नमक नहीं डालूंगी, जब हम खाएंगे तभी नमक डालूंगी। अब बिरयानी होते होते मैंने रायता भी बना दिया, सब कुछ बना लिया, मैंने क्लीन भी कर लिया। यही सबसे बहुत बड़ा टेंशन प्रेशर कुकर में करने से हुआ है या नहीं। ओहो जबरदस्त, क्या डाली है इसमें? बथुआ डाल, बथुआ दीप। इस क्या बोलो, देखो पहले चावल हुआ है नहीं, हो तो गया, पूरा अलग अलग होके हुआ है, बहुत अच्छा है। इसके साथ रायता भी बनाया, मेरा फेवरेट मिर्ची। बम तुम्हारे वो फेवरेट गाना गा दो, मिर्ची मिर्ची ना जरे तिरछी। ये सब लॉकडाउन का कमाल है, लॉकडाउन में राखी पूरा सीख ली कैसे बिरयानी बनाते, क्या करते, कैसे। सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि हम तब ऑर्डर नहीं कर पाते थे,
और राखी फर्स्ट टाइम बनाई थी चिकन बिरयानी। ओहो हे रिएक्शन वीडियो नहीं देखे तुम, खाना उतना खा रहे हो? बहुत अच्छा हुआ है, भूख लगी, खाने दो। बिरयानी का कलर सब कुछ परफेक्ट हुआ है और आलू भी पूरा अच्छे से पका है और जूसी जूसी बिरयानी हुआ है पूरा। लंच करके आए, अभी थोड़ा सा टीवी देखेंगे, हैरो ऑलरेडी आके सो गया है। आज हम लोग टीवी में देखेंगे शार्क इंडिया, शार्क इंडिया सीजन 2 आ गया है तो अभी हम लोग वही देख रहे हैं बैठ के। तो वो अभी हमारा चल रहा है शायद एपिसोड 10 या 11 ऐसा ही कुछ, याद नहीं आ रहा है। पहले मुझे लग रहा था बिरयानी बनाना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि बिरयानी आप खुद घर से बना के खा सकते हैं, मुझे लग रहा था बिरयानी खाना है तो बाहर जाके ही खाना है। बट लॉकडाउन के टाइम पे मैं इतना बिरयानी बनाई हूँ, तब तो मैं चिकन बिरयानी बनाती थी, चिकन मटन बनाती थी, तब बना बना के अभी हो गया है। लॉकडाउन के टाइम पे एक्चुअली मैं पहली बार बिरयानी बनाना सीखी, क्योंकि दीप को बिरयानी बहुत पसंद था और तब तो हम लोग बाहर से ऑर्डर करके नहीं खा सकते थे। मैं यूट्यूब देख देख के बिरयानी बनाना सीख ली, उसके बाद में एक के बाद एक बिरयानी खाली बनाते गए। बट वो इतना अच्छा नहीं बना था, दीप ना फटाफट बना लेता है, ये सब चीज में इतना जल्दी जल्दी बनाने में ना वो स्वाद नहीं आता है, मुझे ऐसा लगता है। और दीप का सब जल्दी प्रेशर कुकर में फर्स्ट टाइम बनाई, उसके बाद कुछ दिन के बाद पूरा ऑथेंटिक स्टाइल में बनाई, दम लगा साइड में आटा का वो लगा के बनाई थी, उसके बाद मटन बिरयानी बनाई, बहुत बनाई हूँ। फिर हम लोग जब नॉनवेज खाना बंद कर लिए फिर मैं बिरयानी बनाना छोड़ दी थी। मैं सोची कि तब एक माइंड में था कि वेज क्या बिरयानी होता है, तो फिर मैं सोची कि नहीं मैं जैसे बनाती थी वैसे बनाऊंगी, बट मैं वेजिटेबल्स डालूंगी, जैसे कि आलू पनीर मशरूम ये सब डाल के बनाऊंगी। अभी तो मैं मशरूम नहीं डाली हूँ, मशरूम बिरयानी नहीं बनाई हूँ, बट वो एक बार बनाना, वो ज्यादा अच्छा लगा मुझे, वो खा मैं आज तक नहीं खाया ना मशरूम बिरयानी। नहीं, मशरूम बिरयानी मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी, कुछ डिफिकल्ट नहीं है मुझे इतना लग रहा है। जैसे मैं बनाई आलू बिरयानी, बस मशरूम को थोड़ा सा मुझे भूनना पड़ेगा, नहीं तो वो स्मेल जो है ना मशरूम का वो बहुत अजीब सा लगता है। तो देखती हूँ मैं, ट्राई करूंगी और आपके साथ भी शेयर करूंगी। मैं अभी बैठ के यहाँ पे काम कर रहा था और शार्क टैंक देख रहा था, मुझे लगा राखी बैठ के टीवी देख रही है, बट ये दोनों सो गए यहाँ पे, आईरो कंबल के ए देख रहा है, ये भी सो गई थी। चुप चुप के मेरा फोन क्या है, ए निकल 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 यहाँ से, पूरा सेट हो गया है अब, यार निकलेगा निकलेगा नहीं। तुम भी क्या, सॉरी उठ जाओ। हम लोग थोड़ा बाहर गए हुए थे, थोड़ा काम था, उसके बाद वापस आने के बाद राखी एकदम थक गई थी, वो सो गई और वो ब्लॉग एंड करना भूल गई थी, तो मैं सोचा मैं ही एंड कर लेता हूँ। आई थिंक आने वाले 2-3 दिनों में एक बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, जो हम लोग काम करे थे उसके बारे में आप लोगों को सॉर्ट ऑफ रिवील करेंगे, तो उसके लिए प्लीज़ वेट करिएगा, बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है, बहुत ही एक्साइटेड है हम सब लोग इसके लिए। एंड बाकी अभी तो 12:30 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 12:30 बज गए रात के, और मेरा आजकल थोड़ा सा लेट हो रहा है सोने में, क्योंकि बहुत सारा काम रह जा रहा है एंड वो सब ख़त्म करके मैं सोना मतलब सोने जाता हूँ, तो उठते 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 भी लेट हो जा रहा है और मेरा सुबह का रनिंग भी मिस हो जा रहा है। एंड वैसे बैंगलोर में भी काफ़ी मतलब पिछले कुछ दिनों में तो बहुत ठंड थी तो मैं स्किप कर रहा था, बट अभी वापस से थोड़ा सा मतलब गर्मी का मौसम वापस आ रहा है, तो ठीक है अभी सुबह सुबह वापस से उठेंगे, दौड़ने जाएंगे जैसे जा रहे थे। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, होपफुली आप लोगों को हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल में। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।